स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं हिस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हवस में अंधी एक माँ की ममता इस कदर हैवान बन गई कि उसने अपने 6 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। मृतक बेटी, जिसका नाम काव्या था, उसका बस कसूर इतना था कि इसने अपनी माँ को भतीजे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसने अपनी माँ से कहा कि वो ये सब पापा को बता देगी। बस इसी वजह से इस कलयुगी माँ ने बड़े ही बेरहमी से इस 6 साल की बच्ची की हत्या कर लाश को खंडहर में फेंक दिया। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस के सामने इस महिला ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर सब दंग रह गए। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के जौखेड़ा गांव का है। आरोपी महिला सुलेखा ने बताया कि उसका पति एक ट्रक ड्राइवर है, जो काम के सिलसिले में घर से बाहर कई दिनों तक रहता है, और इसी दौरान सुलेखा अपने जेठ के बेटे अंकित से प्यार कर बैठी और एक दिन दोनों, अंकित और सुलेखा को 6 साल की मासूम काव्या ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद काव्या ने कहा कि मैं ये सब पापा को बता दूंगी। पोल खुलने की डर की वजह से बच्ची को मां ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और 20 किलोमीटर दूर खंडहर से बच्ची की लाश पुलिस ने बरामद किया और अब इस बच्ची के हत्या के मामले में सुलेखा और अंकित सलाखों के पीछे। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी हो, जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम, सब ने मिल करके कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकेत किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की माँ एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ, तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की माँ ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की माँ एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे, जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने यह बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी माँ द्वारा आवेश में आकर के दराती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है। इस पूरी घटना के अनावरण में फॉरेंसिक टीम एवं थाना बहादुरगढ़ की पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया है, जिसके लिए थाना बहादुरगढ़ और फॉरेंसिक टीम बधाई के पात्र।